ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ 2006 ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਕੱਢੇ ਸੀ? ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ? ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੇਕ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਿੰਨ ਨਕਸ਼ਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦੀ ਗੇਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆਹ ਪਲਾਟ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। इस दरमियान कदे तुहानू जीके स्टेट वाले गुलशन कुमार ने या आशीष सूद ने कदे कोशिश नहीं की भी तुहानू कुलदीप शर्मा ने चुप करवाया जाए? ये बोलता बहुत है कुलदीप शर्मा, इन्हू चुप करवाया जाए। सर मैनू धमकिया दिंदा है, तैन मैं मार दूं, तैन मैं जे करा ते परचा दर्ज करा दूं। आ देखो इहदा मैसेज किहदा, तेरे दा परचा दा किहदा मैसेज? ये गुलशन कुमार जी दा जी व्हाट्सएप मैसेज। आने वाले टाइम च मैनू जां मेरे परिवार नू किसे तरह की कोई हानि हुंदी आ उहदा जिम्मेवार गुलशन कुमार तेरा परिवार होएगा तो शीश सूते हो गए। इन्हों को बड़े बड़े गुंडे पाले हुए हैं, बदमाश पाले होने, हो सकता कल मैं नुकसान पहुँचा। मैं कल फोन आया लोगों ने भी भाजी साडा बहुत बुरा हाल किया, बिना जगह खरीदे लोगों को बेचती, जाली एग्रीमेंट तैयार करते, जाली नक्शे तैयार कर। देखो कि हिम्मत है ठग की, गुलशन कुमार ठग की हिम्मत देखो सर कि यह पाले हुए गुंडे है, ये माफिया है, तो ये माफिया पुराना है गुलशन कुमार लुधियाने का, जिदा मोहाली साढ़े बहुत सारे हैं। ये माफिया सारे मंत्रियों सारिया पार्टियां पोलीटल पार्टी फंड दिता, इलैक्शन फंड, और जिन्हें अफसर है पुलिस के जिनी कुछ तनखा है ना, कला गुलशन कुमार ही दिता उन्होंने मंत्री। इस करके बेड़ा गर्क है गलाडा के अधिकारियों का, इतने पुलिस अधिकारियों का, और आ सी एम पंजाब जोड़े बैठे हैं, सी एम पंजाब साहब 15 साल हो गए ठगियां मार दिनों। जिदा कहने एक घर डैन छड़ दिंदी है, कमा लो यार बथेरा कमाया तुसी, ए जनु अंदर क्यों नहीं करते तुसी? ए दफ्तर हुण क्यों खुले है? तुसी लाओ सील करो दफ्तरां नू, करो इन्हां दे परचा दर्ज। इन्हें मेरी जमीन ते कब्जा किया, तो मैनू गोली मार के कहिंदा तैनू नहर च सिट्टे आऊंगा, मैनू धमकियां दिंदा, ये बड़ा भैन बंदा जी, इहनू अंदर कराओ फड़ के। किहने धमकी कीती, किहने दित्ती? गुलशन कुमार ने मैनू कहा तैनू नहर सिट्टे आऊं गोली मार के, कहिंदा मैं नाले गला कढ़दा, कहिंदा चूड़े चमार, कहिंदा साडे कोल आउंदे ने इह, कहिंदा चूड़े चमार साडे कोल आउंदे ने, कहिंदा भैणां ऐ करदे ने भला ना करदे ने। मैं डीलर जिहड़े आ उहनां दे लिंक हुंदे ना परमात्मा नाल सिद्धे, बंदा बुला सकदे आ ते भेज सकदे आ। बड़ी शर्म वाली गल है, बंदा 3 मार्च 2011 नूं अकाल चलाना कर गया, तो 2013 दे विच 7वें महीने जुलाई च यह एक डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा, जिस दे विच 2 साल पहला मरे हुए बंदे नूं जिंदा दिखा के उसके साइन भी किए गए ने। पंजाब दे विच ठगियां लई दो तरह के लोग बेहद मशहूर ने, या कह लो कि बदनाम ने, पहले कुछ ट्रैवल एजेंट ते दूजे कुछ प्रॉपर्टी डीलर। द खबरसार चैनल देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है, मैं हाँ तुहाडे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह। आज गल करांगे एक अजिहे प्रॉपर्टी डीलर दी जिसनू उसदे शहर दे विच वाइट कॉलर ठग भी कहा जाता है। उन्हां लोकां ने या उन्हां पीड़ितां ने यह नाम उस बंदे नू दिता है, उस प्रॉपर्टी डीलर नू दिता है जिस दे नाल इसने करोड़ों रुपए की ठगी की है। अज तक कई कंप्लेंट्स इस दे खिलाफ हुई ने, पर किसी दे विच शायद ही कोई कार्रवाई हुई हो। एक ताज़ी FIR दर्ज करवाने दे विच एक पीड़ित सफल रहे, पहला तुहानू उस FIR की कॉपी दिखावांगे। ये FIR जो दर्ज की गई है पुलिस थाना फोकल पॉइंट लुधियाना दे विच, ते धारा लाई गई है 420 ते 120 बी बी। ते कैमरा पर्सन नूं कहांगा एक बार दोबारा जिन्हां दे खिलाफ कंप्लेंट हुई है, 7 नंबर जिहड़ा कॉलम है उसते 3 नाम ने, गुलशन कुमार, हरीश कुमार ते आशीष सूद। इन्हां दे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है, ते दर्ज करवाउण वाले साडे नाल इस वेले मौजूद ने कुलदीप शर्मा जी। कुलदीप जी, बहुत लोग परेशान ने, असी पहला भी एक दो पीड़ितों मिले हाँ जिन्हों दियाँ मैं कह भी अड्डियां भी किस गई, कई जुत्तियां किस गई, पर इस दे खिलाफ कार्रवाई हो नहीं सकी, FIR दर्ज नहीं हो सकी, उल्टा उन्होंने खिलाफ कार्रवाई जरूर हो गई। तुम किमें FIR करवा ली? सर जी, सब तो पहला तो मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करदा जिन्होंने मैं सफलता दवाई,
उस तो बाद एक सुरिंदर लांबा जी ने IPS अफसर उन्हों का शुक्रिया अदा करता उन्हों की टीम बलवंत सर सी ते हरपाल सर उस तो बाद जगतप्रीत जी सी ADCP हैड स्पैशल ब्रांच उन्हों का उस तो बाद मेरी इनकुआरी अश्विनी कटियाल मैडम जी को IPS को आई उन्होंने मेरी दुध का दुध पानी का पानी करके मैनु साथ दवाया तो एक शुक्रिया अदा DA लीगल मैडम का जिन्होंने किसी की सिफारिश नहीं सुनी तो मैं साथ दवाने उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद तो अश्विनी कटियाल मैडम जी दे जसवीर सर तो जय सर का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता वा तो सब तो ज़्यादा शुक्रिया अदा मैं CP साहब का करता वा जिन्होंने मैं साथ दवाया मैं 3 साल इस चक्कर धक्के खाते हो गए से मेरी कितने सुनवाई नहीं सी होंगी फिर भी परमात्मा ने मेरी बांह फड़ी तो मैं साम मिलया मैनू नहीं बहुत दुनिया को साम मिलेगा जी बहुत दुनिया ने ठगियां बजिया हुई ने लोगों के मैं फोन आ रहे हैं लोग तरह तरह करते हैं इन्होंने सारी जमीन बिना खरीदे लोगों एग्रीमेंट कर ले जाली एग्रीमेंट किए जाली नक्शे तैयार किए जी मैं रजिस्ट्री दिखा गए एग्रीमेंट किया गया और रजिस्ट्री पता नहीं जाली है कि वह भी है नहीं इन्हों को एक इन्हों का भरा वा हरीश सूद उन्हें तो साढ़े नाल एग्रीमेंट कर ले हरीश सूद ने हर्ष बन के साढ़े तो पेमेंटा लै लिया एक शीश सूद यदा भरा वा एक गुलशन कुमार इन्हें डायरैक्टर है मेन जोड़ा है इन्हें साढ़े तो पेमेंटा लै लिया जो असी इन्हों अपनी मैं फुल एंड फाइनल पेमेंट देती मैं नक्शे के प्लाट पसंद करे फुल एंड फाइनल पेमेंट देने तो बाद मैं मैं रजिस्ट्री करा के दौ इन्होंने मैं यह क्या लारिया लाया भी तेनों असी रजिस्ट्री करा देंगे आप फाइल लाई हुई है पुडा ज अपरूव होगी अपरूव होने तो बाद सड़क अगे पिछे हो जाए मैं फिर मैं कहीं ने मैं कब्जा दे मैं कब्जा मंगया मैं कब्जा दो पेमेंट दे इन्होंने मैं कब्जा देता जी 96 फुट फ्रंट के 45 फुट बैक का मेरे तो 10% इन्होंने एक्सट्रा भी लिया पेमेंट का डिवेलपमेंट चार्ज ही ले तो फिर आशीष सूद वो भरा हर्ष ने जाके जिन्हों हरीश भी कहते हैं जी तो एक ना नौकर से दीपक वह तो एक मेरा दोस्त मेरे ना गए सतपाल सिंह सन ऑफ शरबन सिंह गए उत्थे इन्होंने लक्कड़ के किले लवा के मैंने कब्जा देता 7 साल उत्थे होदी भी बनी हुई है 7 साल उत्थे कब्जा दे रखे जो मैं रजिस्ट्री का रूल लेंदा कहते नहीं तुसी कब्जा किहड़े साल च लिया सी मतलब किहड़े साल तुसी उहनां कोलों सारे पैसे दे के 2006 की गल आ पेमेंट लै गए उत्थे मेरे उही किले कटवाते तो जो रजिस्ट्री का जोर पाया नहीं दिती इन्हें करा के नहीं दिती मेरा जोर नहीं चलिया 7 साल मैं धक्के खाते 7 साल तो बाद मैं अप्रोच लाई वो बंदे ने इनू कहा काका सूद भाजी ने उन्होंने मैं इन्होंने कह रजिस्ट्री कहते मैंने जगह दिखाई कहें आह पसंद आया पसंद मेन रोड से प्लाट सगा इन्हें मैंने रजिस्ट्री कराती रजिस्ट्री कराने तो बाद मैं जी भाजी हूँ कब्जा दे दौ कहा सारी जगह अपनी पई है कहते हम तेन उसकी सड़क बना ली अपरूव हो रहे तेन रजिस्ट्री कर चलो आप बैठ के भी रजिस्ट्री हो गई मेन रजिस्ट्री का होंगे मैंने रजिस्ट्री करा ली जी उस तो बाद मैं गेड़ा क्ढन गया अपने 2018 उत्थे बन गई जी मेरे वाली जगह पर फैक्ट्री बन गई फैक्ट्री बन रही मैं जाके जो इन्होंने कहा मैं सर मेरी उस जगह तो फैक्ट्री बन रही है आशीष सूद का कहना वो जगह जिदे उपर 2006 कब्जा लिया जिथे लकड़ी के किले कटे जगह है ही नहीं सी वह भी किसी होर की कब्जा देता से जी मैंने इन्होंने वो भी जगह किसी हो नक्शा तुम्हें दिखाया से फिर वो नक्शा है ही नहीं फेक से 3 नक्शे बनाए हुए इन्होंने सर एक जमीन का 3 नक्शे जिथे किसी सैट करना होंगे उत्थे गदी गेट पा देंगे तिना कोई अप्रूव्ड भी है कोई अप्रूव नहीं है जी कुछ नहीं है नक्शा कुछ भी नहीं खरीदने तो पहला नहीं पता इस बारे कुछ नहीं पता सर इन्होंने अपनी मालकी दिखाई ने मैं वह भी पता जाली से कि मैं मालकी देख ली भी इन्हों की हैगी जो बाद पता लगे कुछ भी नहीं 2018 में जो तुम गए हो फिर जी दूसरी जगह तुम्हें दिखाई है मार रही थी मैं उत्थे फैक्ट्री मार रही मैं शीश सूर कॉन्टैक्ट किया मैं सर उत्थे फैक्ट्री मार रही मेरे को व्हाट्सएप के मैसेज है जिद बच्चे मैंने कहना अपने मेरे दफ्तर आया आगे बह के गल कर ले लास्ट जाके जो इन्हें मैंने कहा भी असी तो तेनों जानते नहीं तू कौन मी ना असी तेरे तो पैसे लिते ने ना असी तेनों जानते हैं जितों जिन्हों पैसे उस तो प्लाट लै मैं सर पैसे तुम्हारे भरा दे सैन होए हुए हैं मेरे तो पैसे लेने कहता मैं नहीं जाता गुलशन बाऊ जी ने गल करो कहता साढ़े मेन उही ने मैं गुलशन बाऊ जी ने अप्रोच लड़ाया कहता मैंने कुछ नहीं पता इस बारे उन्होंने गल कर जिन्होंने तेन प्लाट दिते ने मुड़ के लास्ट मैं कहता जहाँ नट जाते जानते नहीं है तो कौन आ फिर मैं CP साहब के कंप्लेट दी कंप्लेट होने तो बाद सुरिंदर लांबा जी को इनकुआरी आई इन्हों परवाने कट्टे गए नहीं पहुँचे 3 परवाने मुड़ के सुरिंदर लांबा जी तो मेरी कंप्लेट खुरद बुरद करती इन्होंने उस महीने मैं धक्के खाई गया मेरी कंप्लेट कितने गई फिर मैं उतो पता लगे तेरी कंप्लेट ADCP 4 से कोई डॉक्टर साहब उन्होंने भेजती मैं क्यों भेजी तुम
मैं मेरा तो कोई रोल नहीं, मेरी इंक्वायरी बहुत सोहनी चल रही है। कहते नहीं जी उत्थे भेज दो उत्थे ही है। मेरी नहीं सुनवाई, मैं डी जी पी साहब के पेश हो चंडीगढ़ जाके, एम के तवाड़ी साहब सके उत्थे, उन्होंने सुखचैन सिंह अपने सी पी साहब से उन्होंने फोन किया कि तुहानू की तकलीफ है, इंक्वायरी चलती पी है सुखचैन सिंह जी, ये मेरे पास आ रहे हैं, रो रहे हैं मेरे पास आकर भी मेरी इंक्वायरी चलती, मुझे विश्वास लंबा सी से मिल जाएगा, कहीं से नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने बोला भी इनकी इंक्वायरी वहीं चले चलनी चाहिए जहाँ चल रही है। फिर मैं आकर मिला, फिर इंक्वायरी लांबा जी के पास आई, लांबा जी ने इंक्वायरी दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। इनकी पता नहीं क्या चक्कर है, उन्होंने पर्चा दर्ज करने की सिफारिश कर दी। हाँ जी, उन्होंने पर्चा दर्ज करने की सिफारिश कर दी। पर्चा दर्ज कर सिफारिश करने बाद अपने सी पी साहब ने उत्थे लिखता जी डिस्कस करनी है, डिस्कस करने तो बाद मेरी फाइल रुक गई, लांबा साहब की बदली हो गई। मैं चंडीगढ़ मिल के आया जाके लांबा साहब हूँ, फिर डी जी पी साहब को मैं रोके आया भी ये की हो रहा, चलो कहते कुछ दिन इंसाफ मिलू, डिस्कस की थान ते जी इन्होंने वो जी मेरी इनकुआरी जगतप्रीत जी सके ए डी सी स्पैशल ब्रांच उन्होंने फॉरवर्ड करती मार्क करती। पहले इंक्वायरी लांबा साहब ने की थी कि वो ठीक नहीं सी, कि उन्होंने पड़ताल नहीं की थी ठीक, विश्वास से जी उन्होंने बहुत बढ़िया बरीकी ने पड़ताल करके उन्होंने मुकदमा दर्ज की सिफारिश। दोबारा तो इंक्वायरी कराने का मतलब की बनया? वो मैंने यदा कोई पता नहीं जी, मैं उत्थे धक्के खाधे, उत्थों उन्होंने लास्ट ये भी लास्ट जो उन्होंने उही इनक्वायरी ओके करती ठीक है मैं लांबा साहब ने की। हाँ सर, अच्छा इस दरमियान कदे तुहानू जी के स्टेट वाले गुलशन कुमार ने या आशीष सूद ने कदे कोशिश नहीं की थी भी तुहानू कुलदीप शर्मा ने चुप करवाया जाए, ये बोलता बहुत है कुलदीप शर्मा इन्हू चुप करवाया जाए? सर मैं धमकिया दिता तेन मैं मार दू, तेन मैं जे करो तो परचा दर्ज करा दूँ, देखो यदा मैसेज कहता तेरे मैं परचा कि मैसेज गुलशन कुमार जी का जी व्हाट्सएप मैसेज पढ़ के सुना। गुलशन कुमार जी कहते ने if you will do wrong complaints without any proof, then Ashish will do your complaint and be ready to face manhani mukadma in civil court as Supreme Court fix maintenance charges to plot holders. अच्छा ये तुहानू धमकियां दे रहे नाल तुहानू मेरे ख्याल सिविल अपील भी कोई इन्होंने भेजी हुई है? भेजी उन्हें सर कोई कापियां भेजियां सी मैं नहीं देखिया, पर मैं परमात्मा का नौ लैके मैं इंसाफ लूँ, मैं क्या मेरे नाल तां ठगी हुई है, कल कोई गरीब होर ना मारिया जाए, वो करके मैं लड़ाई लड़ी, मैनू इंसाफ मिलया। मैनू इन्होंने बहुत परेशान किया जो इन्होंने, मैं तो अपनी दसदा 2013 मैं अपनी बेटी की मैरिज करनी सी, मैं प्लाट बेच देव जिहड़े मेरे पे ने कनेडा मैरिज करनी सी जी के वालों को, इन्होंने मैं खड़े पैर जवाब देता सी तैनू जान देनी ये आ वो आ भी तू जिथे मर्जी चलिया, मैनू पता मेरे तो की बीती, मैं बीमार रहने लग गया, अखा तो दिखना बंद हो गया, मैंने शुगर हो गई, मैंटली अपसैट हो गया। मेरे उस सामने दुकान सी, मैं अपनी दुकान बेची 40 लाख की, वो दुकान बेच के मैं बेटी की मैरिज करके आया, मेरी इनकम का साधन खत्म हो गया। उस तो बाद जो इन्होंने मैं नहीं किसी पास लाया, फिर मैं 2018 कंप्लेन लाई है, बड़ी मतलब हो रही है, मतलब तुहानू तुहाडे तप्पड़ रोलन च इन्होंने कसर कोई छड़ी? मैनू रोलदा, मेरी जिंदगी रोलदी, मेरे बच्चे रोल गए, मेरे बच्चे बाहर बैठे आ, बेटी कनेडा जा बेटा आस्ट्रेलिया चा, असं बच्चों को जान तो बैठे आ, साडी जिंदगी रोल के रख दी, जब मैं कितने होर लेंदी मेरा करोड़ों रुपया इन्होंने मेरे पैसे ही मिट्टी करते हैं, पैसे खाले किसी धमके देंदे बंदे बदमाश रखे हुए इन्होंने। एक होर मैं गल कहनी चाहना, उन्होंने टाइम च मैनू या मेरे परिवार को किसी तरह की कोई हानि होंगी है, वह जिम्मेवार गुलशन कुमार तो यदा परिवार होएगा, तो शीश सूत हो गए इन्हों को बड़े बड़े गुंडे पाले हुए हैं, बदमाश पाले होने, हो सकता कल मैं नुकसान पहुँचा, इस करके मैं सारे यही बेनती, मैंने कुछ हों तो मेन गुलशन कुमार होएगा यदा हैड, तो वह बेटा भी पूरा क्रिमिनल आ, वो सिफारशा वह लोगों डरा, मैं जे कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, जोड़ा रोहित आदा नाम भी मैं दिता से बिच, किसी तरह वह नाम निकल गया क्योंकि मैं कोर्ट के बिच नाम जरूर लेके आवागा जी। बिल्कुल सर, जो तो मामला हूँ दर्ज होया है उस तो बाद हाल तक तुम यही सोच रहे भी मैं तुम कल ही पीड़ित हो, उस तो बाद होर भी लोग सामने आए? बहुत लोग आए हैं, लोगों के फोन आ रहे हैं, एक साढ़े गिल रोड के सरदार जी ने बर्तन वाले नागपाल बर्तन, उन्होंने सर एग्रीमेंट फुल एंड फाइनल लिख के देता भी इनू कब्जा देता, उन्होंने बेचारे कुछ भी नहीं दिता सर, कागजी वो ले फिर 129 नंबर प्लाट आ, मेरे गुआढ़ जेने मैनू एग्रीमेंट किए उन्होंने कोई दिता नहीं, खाली कागज देता, वो बेचारा धक्के खाता फिर वा, उन्होंने जे जाता उन्होंने कहें तू इन्ने पैसे जमा करा तेन ता प्लाट देवे, प्लाट उत्थे है ही नहीं भांडे वालों। हाँ जी, भगत सिंह जी कहें भांडे वाले ने नागपाल बर्तन वाले, वो भी बहुत पीड़ित ने, होर दुनिया बहुत पीड़ित आ। मैंने कल फोन आया लोगों ने भी भाजी साडा बहुत बुरा हाल किया, बिना जगह खरीदे लोगों को बेचती, जाली एग्रीमेंट तैयार करते, जाली नक्शे तैयार करते, देखो कि हिम्मत है ठग की, गुलशन कुमार ठग की हिम्मत देखो सर कि है,
साले जगह खरीदी नहीं, तू लोगों को पैसे इकट्ठे करी जाना, करोड़ों रुपया इकट्ठा किया जी, ये बरीकी जांच कराओ, ये उपर पोलीटिकल जोड़े है ना उन्होंने भी उठाओ ना बरीकी जा, गरीबा खा गया है बंदा। तो उसे कलोनी का हाल देखो, तो जंगल बनया पै, कोई कलोनी नहीं आई, कोई सड़क नहीं, कुछ नहीं है, लोगों तो उन्नी देर पैसे ले गया जिन्हें कुछ नहीं, यदा दफ्तर छट के भी नट गया अपना जी, ये दफ्तर या फोटो दिखावा तो शीशे टुटे हुए बुरे हाल। इस करके मैं सरकार को कहना भी इन्हों अपने तो दूर रखो, ये लोग थोड़े तो बढ़ते हैं, तो गरीबा का खून चूसते हैं, तो चंदा दे दिया, फंड दे दिया, प्रॉपर्टी फंड देता या अपना जो इलैक्शन फंड देता, मुड़ के लोग गरीबा का खून चूसते, थोड़ा फंड दे के लोगों का करोड़ों रुपया खा जाते हैं। इस करके मैं इन्ना कहता हो बिल्कुल। ये कुलदीप जी से, कुलदीप जी ने दसिया भी इन्ह के मामला सामने आने तो बाद होर कई जड़े आए हैं, एक भांडे वाले का इन्होंने नाम जरूर लिया है, वो भांडे वाले इस वेले साडे नाल बैठे ने। सर सुनने चाहिए भी तुहानू कागजां विच पोजेशन भी देता है जी, तुसीं हुण अपने जिथे भी तुहाडी हुण नवां घर बनया शिफ्ट हो गए कि नहीं हुए हले? शिफ्ट किया तो प्लाट ही है नहीं जी, उत्थे मैंने खाली एग्रीमेंट दिता उन्होंने फुल, कहिंदे तुहाडा कब्जा देवांगे, सड़कां बन रहियां ने तुहानू देवांगे, उस तो बाद मैं धक्के खा के लै कागज़ लै घूमी जांदा जी फुल एंड फाइनल का, ना उन्होंने रजिस्ट्री करवाई है ना उन्होंने कुछ दिता है। कागजन पोजीशन देता तो खाली कागजन देता जी, फुल एंड फाइनल देता, पक्का तुहाडा हो गया जी, इन्ना नंबर प्लाट तुहाडा हो गया, उन्होंने अज तक सानू कुछ नहीं दिता। फिर तुम कभी उन्होंने दोबारा पूछने की कोशिश नहीं की? तो कुलदीप जी तो हम एफ आई आर करवाई है, चलो बड़ी मेहनत लगी इन्हों की, कई साल लगे इन्हों 2006 तो लैके 2021 यह आ गया, तो तकरीबन 15 साल तो बाद इन्हों फल मिले, एफ आई आर हुई है, हले इंसाफ मिलना बाकी है, हले इंसाफ मिलेगा, तो तुम कभी कोशिश नहीं की? नहीं कोशिश की है जी, पर मैं अनपढ़ बंदा, मैंने कोई पता ही नहीं गया कोर्ट कानूनों का, मैं उन्होंने दफ्तर गेड़े मार मार थक गया, वो कहते जी मैंने उन्होंने लिस्ट बना के दी, कहते इन्ने पैसे जमा करा तुम रजिस्ट्री करा दे, मैं क्या पहले प्लाट का कब्जा दो, कहते जी बाद देवे, मैं पैसे नहीं जमा कराए, उस तो बाद उन्होंने कोई मैंने दिता नहीं, कहता जी। बड़ी हैरानी वाली गल है, मतलब बेहसाबियां ठगियां लोग कर रहे हैं, तो प्रशासन को नहीं पता, प्रशासन को क्यों नहीं पता, या फिर प्रशासन को पता है प्रशासन फिर भी नहीं बोल रहा, अजिहा क्यों? सतनाम जी साढ़े नाल ने, सोशल एक्टिविस्ट ने सतनाम जी, कुलदीप जी ने 15 सालों तो बाद जाके कितने एफ आई आर करवाने के कामयाबी हासिल की, हाले भी जो कही है भी इंसाफ मिले है, वह पूर्ण तौर पर इंसाफ नहीं मिले, हाले इंसाफ होना बाकी है। धारा 420 लाई गई है या फिर 120B लाई गई है, दो धारावं जिड़िया गलत जे कागजात बनवाए गए ने वो फॉर्जरी के चलाई नहीं गई, सैक्शन कोई भी नहीं लाया गया। देखो जी कुलदीप जी तो वैसे ही खुश हो गए शर्मा जी, खुश होने वाली कोई गल नहीं, 15 साल बाद तो होया कि बकरी ने दुध दिता तो मिंगना पा के दिता, एफ आई आर दर्ज हो, पैसे थोड़ी मिले, प्लाट थोड़ी मिले, और एफ आई आर के जिड़िया धारावं बन दियाँ वो तो लगाइया ही नहीं, और यही गुलशन कुमार कला नहीं है, तुम देख रहे हैं चंडीगढ़ मोहाली जब तक जिदा स्काई रॉक सिटी वाला 5 साल तो जेल च बैठा 1800 करोड़ की ठगी मारन वाला, जां RKM वाला जेल च बैठा, जब तक गुलशन कुमार एंड पार्टी जेल च कख नहीं होना, तो जे देखा जाए गुलशन कुमार का कसूर नहीं है, गुलशन कुमार तो बेचारे का कोई कसूर ही नहीं, कसूर CA जिदा गमाडा है, ऐसा जो गलाडा का CA है असली करप्ट वो है, करप्ट बंदा वो है, जेड़े पुलिस अधिकारी हैं जिड़ी इन्हें 2018 तो कंप्लेन लटकती है, जिन्हें IO बदली हैं उन्हें तो मूँह किन्ने लख च बंद होया, अधिकारी तो वह जिम्मेवार है। तो जे मैं गल करा मैं कहना गलाडा दे अधिकारी CA गलाडा जिम्मेवार है, करप्ट बंदा वह जिन्हें भी आए, मैं सीट न कह रहा बंद नहीं कह रहा, जिन्हें भी ये दिखा भी देना तुझे इश्तहार गलाडा के अधिकारी जिम्मेवार ने ठगिया मारन के, मैं तुम्हें भेज देंगा इश्तहार बिच लगा देना। तो यह एक अखबार इश्तहार की है, एक अखबार का इश्तहार है, ये भी डेट पाई है 28/10/2012 उस कहा गुलशन कुमार एंड कंपनीज SCO नंबर 41 GK माल जबद्दी, यह लोगों किस्तों से घर दिता, तो यह गमाडा वालों अप्रूवड नहीं है, एदा कोई घर ना लिया जाए, उत्थे कोई मकान ना बनाया जाए, उत्थे कोई उसारी ना की जाए, यह गलाडा के CA 2012 का पता है, तो जे 2012 तो हूँ फिर सुता पिया गलाडा दसीए, ये प्रधानमंत्री हाउसिंग फॉर आल जी स्कीम है, यदा इश्तहार है, यदा जो गमाडा तरीके पुडा अप्रूवड, जो तुम पुडा तो अप्रूवड ही नहीं है, जो गमाडा तो गलाडा तो अप्रूवड है नहीं, तो तुम्हें यह इश्तहार किमें देता, जे परचा दर्ज नहीं होंगे तो गलाडा के CA बदौलत नहीं होंगे। नहीं वैसे हैरानी वाली गल हैगी है, जे वाकई जिमें इश्तहार खुद कह रहे डिपार्टमेंट भी पुडा अप्रूव नहीं है, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री तो चाचे का मुंडा लगता है? नहीं जी चाचे का मुंडा लगता, पुलिस को पैसे किन्ने चढ़े हैं, जेड़े IO है IO गुटियाल मैडम बड़ी ईमानदार है, मैं मिले 2 बारी जो मोहाली सड़े होंगे करके FIR दर्ज होगी, पर जो DA लीगल है उन्होंने किन्ने मिले हो, तो
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਅਫਸਰ ਹੋਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਇਹੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਫੌਰਜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੇ ਆਈ ਓ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ 15 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਗੁੰਡੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ। ਆਹ ਜਿੰਨਾ ਗਲਾਡਾ ਦਾ CA ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਉਹ ਭਰਦਾ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੈ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਆਹ CM ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, CM ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਈ। ਜੇ CM ਸਾਹਿਬ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਹਾਲੀ 2 ਬਿਲਡਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਠੱਗੇ ਨੱਥ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਆਈ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚੀਕੂਆਂ ਅਤੇ ਸੀਤਾਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ SP ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਗੁਟਿਆਲ ਮੈਡਮ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬਹੁਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ 'ਚ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸਟੋਰੀ, 1500 ਮਕਾਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 2-3 ਨਕਸ਼ੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਲੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ CA ਨੂੰ, ਗਲਾਡਾ ਦੇ CA ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ JE ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ SDO ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇਖਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਜਾਅਲੀ ਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜਪੁਰੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੈਂਗ, ਜਾਅਲੀ ਮੋਹਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਕਸ਼ੇ। ਜੀਰਕਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਣਪ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 2012 ਤੋਂ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੇਜਿਆ? ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਡੈਣ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਬਥੇਰਾ ਕਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਸੀਲ ਕਰੋ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਕਲੋਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਸਲ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਇਹ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਆਏਗੇ ਆ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਠੀਕ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹ ਜੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦਾ 10 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਡਮ ਗੋਟਿਆਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਲਾਡਾ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2012 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮਕਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਉਹ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਉਸਨੇ? ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, GK ਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ। ਜਸਵੰਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਸਵੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭੁਗਤਣਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਰ, ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੇ FIR ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ
बाद च इन्हें उस पुलिस को की सफाई दी गई जी, असं उ शिवरात्रि का लंगर लाने लगे थे, इन्होंने आके उत्थे गुंडागर्दी की, इन्होंने हमले किए सेवकों से, उत्थे जो समान पे चुके लै गए, जबकि उत्थे सवाए मेरे कल्ले होने दे और जिहड़े उत्थे मंदिर के पुजारी सीगे उन्होंने मैं सिर्फ इन्ना इन्होंने दीवार तोड़ दी सी, जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब वाली जगह जी चार दीवारी हुई है उस दो कमरे पए होने, इन्होंने दीवार तोड़ के उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की शिवरात्रि की और उन्होंने हिंदू सिख वाला रंग देने की कोशिश की, धार्मिक रंग देने की कोशिश की, रंग देने की शुरू की इन्हें, उल्टा परचा तो करवाता, उल्टा परचा मेरे से कराता जिसे हमने कोई गवाही नहीं पेश हो रही है, मैं बेल बड़ी मुश्किल मिली है और ईवन बेल च भी मैं एक गया कि भी तुम इस पार्टी के नाल दोबारा खेना नहीं है, कभी तो यह घर बैठ के एहसास नहीं हो कल तुम बैठे हो तो सोच रहे हो भी यार मेरा की लैना देना है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की जमीन सी परचे मेरे तो 295 हो जा रहे हैं, तुम्हें कभी सोचा नहीं छोड़ो परे की करना, बिल्कुल सोचा जी, पर जिदा मैं शर्मा जी का सुनया कुलदीप शर्मा जी का जिदा ये लड़ रहे हैं इदा ही मैं भी लड़ रहा है, होर भी कई होने जो बेचारे सामने नहीं आए गए, तुम्हारी हिम्मत है खबरसार चैनल की कि तुम एक करके अगर लेके आ रहे हो चीज़ों, लेकिन थोड़ी बड़ी वो हिम्मत हैगी देखो क्योंकि यह अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की जमीन के लिए लड़ रहे हैं, जो जमीन की सेवा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के लिए लगी सी, होर भी साढ़े नाल काफ़ी पीड़ित ने, एक सर बैठे ने नाल, सर थोड़ा शुभ नाम की है जी, जयल सिंह गांधी है जी मेरा नाम, पिंड मेरा मुंडियां कलां, इन्हें मेरी जमीन पर कब्जा किया तो मैं गोली मार के कहता तेनू नहर च सुट्टे आऊँगा, मैं धमकियां दिंदा, ये बड़ा भैन बंदा जी, ये इनू अंदर कराओ फड़ के, किन्हें धमकी की किन्हें, गुलशन कुमार ने मैनू कहा तेनू नहर सुट्टिया गोली मार के कहता, मैं आह देखो कागज मेरे को जोड़ा सारा कुछ लिखा होया है तो आप देख लो, मैं तो इन्ना पढ़िया नहीं होया है, इन्हें मैनू खुद धमकियां दित्तियां ने, कागज पुलिस वालों को भी पे ने, कोई मैनू तीन पांच मेरे मुंडे नू कोई मेरी घरवाली नू मैनू कोई गलबात हो गई तो खुद गुलशन कुमार जिम्मेवार आ जी, यदा भी जमीन का रौला है कोई, जमीन का रौला मेरी जमीन से कब्जा किया, कोठियां बनाई हुई ने इन्हें, कोठियां बनाई वेली पई है जगह, कितने सौदा होया जमीन का, कितने भी बना धक्का किया इन्हें मेरे नाल, कोई सौदा नहीं किया, कोई पैसा नहीं दिता मेरे, मैनू कहता तेरा प्यो पैसे लै गया, बाद कहता गांधी पैसे लै गया, पैसा किसी भी नहीं दिता है, कोई लिख दिखा दे मैनू जे पैसा लिया होगा, डीसी साहब नूं कहा सीगा, मैं कहा जी झूठे केस लाउंदा, मैं कहा इहदे नाल तुसीं गोली मार दो मेरे, डीसी साहब भी हैरान मन गया सीगा सुन के गल, जदों इन्होंने तुहानूं मारन दी धमकी दी तुसीं कंप्लेंट नहीं की, कंप्लेंटां कीतियां ने कोई सुनवाई ही नहीं की हैगी किसी ने, कि उड़ीक तां नहीं कर रहे पहले भी तुसीं चढ़ाई कर जो फिर आपां देखांगे, की पता जी इहदा, कोई पता नहीं हैगा इहदा भी की करदा की नहीं, बहुत लोग इहदे खिलाफ फिरदे ने, हुण भी उहदा उत्थे कब्जा हैगा, साडा भी कब्जा हैगा, उहदा भी कब्जा उत्थे, इहदा इन्हें नजायज़ तौर ते कीता होया मतलब, हाँ जी नजायज़ कीता होया इहने, सानू कहिंदा इत्थे ना आयो, कहिंदा आप तारां लाई जांदे ने आले दुआले, जिहड़े जमीन दे मालक आ उहनां नूं कहिंदे तुसीं आओ ना तारां असीं ला लांगे, हाँ तारां असीं आप ही ला लांगे तुसीं ना आओ, मैं कहा तारां कहते लाने, कहते तारां असीं लाने भी डंगर पशु ना बड़े, डंगर पशु मेरी जमीन च बढ़ते हैं कि टोटी जमीन च बढ़ते हैं, इहनूं पुछण आला होवे कोई, इहनूं पुछदा ही नहीं, साडी तां कोई सुनवाई ही नहीं है, थाने जाना चौंकी जाना वो कहते थोड़ी हाले कोई एप्लीकेशन ही नहीं आई साढ़े को, थोड़ी साढ़े को फर्द पई आ, जब एप्लीकेशन आऊ अभी थोड़ा सुना कर देंगे, जो तुम गाला कटिया बोलिया नहीं, कंप्लेट लिख के दिता गाला कटिया, सारा सारा किया होया जी, आ देखो आ सारा कुछ दिता होया, आ सारा कुछ आ देख लो, ये सारा कुछ डीसी को फैल पई है जी, नाले गला कढ़ता कहता चूड़े चमार, कहता साढ़े को आते हैं, कहता चूड़े चमार साढ़े को आते हैं, कहता ए करते हैं फलाना करते हैं, मैं तू गाल ना कटी, मैं जो एक गाल कटेंगे तो 50 कटूंगा मैं, जाति सूचक बोलता तो, हाँ हाँ एक नहीं बोलता वह चूड़े चमार तो दसदा होर की कहूगा, है बड़ी हैरानी वाली गल हैगी है, तो एक वकील साहब होर साढ़े नाल बैठे ने, सर मतलब लुधियाने चलो मैं कई बार असं कहने कि पांच उंगलां बराबर नहीं होंदियां, कई पुलिस अफसर भी बड़े चंगे होंदे ने, कि एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर भी बड़े चंगे होंदे ने, पर ये जो कुछ हो रहा है सर, ये जो कुछ होया है या जो कुछ मामले होर भी ने जिहड़े सामने आए ने, या कुलदीप जी पहले अजिहे मारथी ने जिन्हां ने इन्हां खिलाफ परचा करवाया? कुलदीप जी ने बहुत हिम्मत करके मुकदमा दर्ज कराया जी, धन्नवाद अफसरां दा जिन्हां ने निरपक्ष हो के कार्रवाई कीती है, पर जिहड़ा गुलशन कुमार आ ये तां मगरमच्छ आ, क्योंकि इहदे नाल पोलीटिकल सपोर्ट आ, साबका मंत्री चरणजीत सिंह ढिल्लों
ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ? ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹਲਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਅਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਬਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 2000 ਆਪਣੇ ਡੇਟ 16/2/21 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਚਲੋ। ਵੈਸੇ ਜਸਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਸੀਗਾ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਬੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਉਹ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਈ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਆਪਣੇ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਹਾਂ, 3/3/2011 ਨੂੰ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਸਹਿਮਤੀਨਾਮਾ, ਜੇ ਸਹਿਮਤੀਨਾਮਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮਤੀਨਾਮਾ ਸੀਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰੀ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਇਆ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਨੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿੱਬਾਨਾਮਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਹਿੱਬਾਨਾਮਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ 480 ਗਜ਼ ਜਾਂ 70 ਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਿਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਵਸੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਸੀਕੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਾਲੀ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਲੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਲੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਆਹ ਵਸੀਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਸੀਕਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਇਆ। ਨੋਟ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਆਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਆਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 3/3/2011 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਮੈਂ ਵਸੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਡੇਟ ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਨੇ, ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡੇਟ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸਤਾਰਾਂ ਸੱਤ 2013
मतलब दो साल बाद वो फिर उतरों अकाल चलाना कर गए फिर उत्तों थले आए तो यह करवा के फिर वापस चले गए क्योंकि डीलर जड़े आ उन्होंने लिंक होंगे ना पर परमात्मा सीधे बंदा बुला सकते तो भेज सकते बड़ी शर्म वाली गल है बंदा 3 मार्च 2011 अकाल चलाना कर गया तो 2013 सत्तवें महीने जुलाई च यह एक डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा जिस दे विच और 2 साल पहला मरे हुए बंदे नू जिंदा दिखा के उसके साइन भी किए गए ने ते ही उन्होंने डिपार्टमेंट ने मान भी लिया देखो जी जदों रजिस्ट्री होंदी आ कोई भी डाकूमेंट तस्दीक हुंदा उहदे विच जिहड़ा मुख्तियारनामा दिखाया गया जी वह वेरीफाई नहीं हुंदे क्योंकि हुण तां टाइम नहीं हुंदा पहला भी धक्का हुंदा सी रजिस्ट्रियां च जदों डाकूमेंट ला के इन्होंने डाकूमेंट नू सैल्फ टैसट करके सबमिट किया जाता तो तहसीलदार साहब रजिस्ट्री कर देंगे इन इस आड़ च क्योंकि सारा ही सिस्टम करप्ट इहदे खिलाफ होर किन्ने क मामले तुहाडे कोल लिस्ट पई है किन्ने क मामले इस दे खिलाफ जो मुकदमे दर्ज होए ने जी के स्टेट के खिलाफ या फिर गुलशन कुमार के खिलाफ जिहदियां फोटोकापियां हैगियां देखी मैं होर देख रहा एक अखबार की कोई नहीं किसी ना जिमे सतनाम जी ने की चीज़ है गलाडा ने 2012 जो खबर छापी आ हाँ जगबाणी अखबार से खबर छपी आ भी ये जड़िया कलोनिया ने कटिया हुई भी वह कलोनिया जो लोग ना खरीद के अपने पैसे ना वेस्ट करन ते इहदे चुंगल च आ के गुमराह ना होण पर 2012 तो करीब 9 साल हो गया पुड्डा ने इस दे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज कराया मतलब गलाडा ने यह एडवर्टीजमेंट दे के सार्वजनिक सूचना दे के अपनी अखां आप बंद कर लिया भी तू भरा असी तां जिहड़ा करना सी फॉर्मैलिटी कर ली है हुण तू करी जा जो करना तां ही इन्होंने किया भी असी लोगों नूं अवेयर कर दिता पर जे भोले भाले लोग आउंदे आ ते उहनूं तूं ही वड्डी भी कल सानूं दिखाउण नूं बहाना हो गया भी असी तां सार्वजनिक सूचना एक कढ़ी सी अखबार दे विच भी इह अग्गे हुण लोकां दी ड्यूटी है भी तुसीं कहनूं इहदे कोल फसदे हो असीं तां पहलां ही कहता भी इह बंदा ठीक नहीं हैगा इह बंदा ठगियां करदा है पर जे ठगियां करदा जनाब 2012 तों बाद की अज तक इहने ठगी नहीं कीती ये अज भी दफ्तर चला रहा है वह किवें चला रहा है कि गलाडा वालिआं नूं नहीं पता कि पुड्डा वालिआं नूं नहीं पता या फिर एक बनिया बनाया पैकेट पहुँच जाता है जिस करके भी तुहाडा ध्यान उधरले पासे जाता ही नहीं बड़ा वड्डा सवाल है सिस्टम बाकी सवाल प्रशासन दे क्योंकि पंज उंगलां बराबर नहीं हुंदियां मैं पहला भी कहा है तो उम्मीद है कि प्रशासन निरपक्ष होकर कार्रवाई करेगा तो जिन्हें भी हुण तक इन्होंने कांड किए ने वह सारे लिया के सामने धरेगा तो लोगों इंसाफ तो इन्हों बनती सज़ा दी जाएगी कैमरा परसन मनोज के नाल ठाकुर अमनदीप सिंह द खबरसार चंडीगढ़।